दर्शाया गया है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के आर्यपीजी कॉलेज, जो खेल का ग्राउंड है वहाँ पर, जो गीता महोत्सव, जिला स्तरीय गीता महोत्सव जो चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज शुभारंभ हुआ है और ये देखिए तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणवी वेशभूषा दर्शाई गई है, तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहें। गीता महोत्सव का शुभारंभ आज पानीपत के आर्यपीजी कॉलेज खेल के मैदान में जो जिसकी शुरुआत हुई है, और ये तस्वीरें जहां तमाम जो झलकियां हैं वो दिखा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो आप दिखा रहे हैं। महोत्सव आज जो मनाया जा रहा है जिला स्तरीय, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जो हरियाणवी जो कल्चर है उसको दर्शाया गया है। हाँ, बच्चों ने जो है यहाँ पर हरियाणवी कल्चर को दिखाया है, किस प्रकार से हमारी जो धरोहर होती है, जो प्राचीन समय में चूल्हे का प्रयोग करते थे और दूध पिलोने से हाथ से दूध पिलोते थे, छाछ से बरसाते थे, ऐसे जो बच्चों ने सभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है होका पीते हैं, ये सारी हमारी जो हरियाणवी कल्चर है उसको दिखाया है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। बच्चों ने मेहंदी भी लगाई है, यहाँ पर डांस भी किया है और गीता उत्सव को बड़े प्यार से जो है और उत्साह के साथ मनाया है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं गीता जयंती पर, शिक्षा विभाग की बात करें, उद्यान विभाग की बात करें, तमाम विभागों की ओर से अपनी अपनी जो प्रस्तुति है वो दर्ज कराई गई है और तमाम जो प्रस्तुतियां हैं वो दी जा रही है। स्कूली छात्राएं पहुंची हैं दोनों ओर, ये देखिए तस्वीरें विभाग की ओर से तमाम जो तस्वीरें हैं और कुछ और जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए उद्यान विभाग की ओर से भी जो प्रस्तुति है वो अपनी दर्ज कराई गई है। ऑर्गेनिक खेती, यहाँ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि किसान जो है इनके प्रति जो है जागरूक हो। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज गीता महोत्सव जो शुरुआत है वो पानीपत के आर्यपीजी कॉलेज खेल के मैदान में से जो है शुरू की गई है और ये तस्वीरें सर क्या कहना चाहेंगे, रंगोली जिस तरह से बनाई है, क्या शुरुआत हुई है? शिक्षा विभाग पानीपत की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से हमें ये जिम्मेदारी दी गई थी और कल हमारी टीम में आदरणीय सरनजीत कौर जी, कमलेश जी, सुरेंद्र राठी जी, संदीप राठी जी और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने कल 12 बजे ये रंगोली बनानी शुरू की थी और रात्रि 9 बजे तक हमने ये काम किया। उसके बाद सुबह आके हमने इसमें फाइनल टच दिया है। गीता महोत्सव 2022 में अब की बार एक नया आकर्षण करने का प्रयास शिक्षा विभाग पानीपत का रहा है, जिसके लिए हमने अब की बार श्री कृष्णा जी का एक स्टैचू बनाने का प्रयास किया है और जिस स्टैचू में श्री कृष्णा जी युद्ध के मैदान की मुद्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए मैं कहूँ कि गीता जीवन का सार है और मैं युवाओं से खासकर अपील करना चाहता हूँ कि वो गीता को जरूर पढ़ें, गीता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। गीता हमें कर्म प्रधानता का संदेश देती है और व्यक्ति जब अपना कर्म पूरे मन से पूरा करता है तो निश्चित तौर पे वो सफल व्यक्ति बन पाता है। कार्यक्रम 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा और 4 तारीख को शोभा यात्रा के साथ इसका समापन किया जाएगा। समापन यहीं पे इसी आर्यपीजी कॉलेज के मैदान में किया जाएगा। देखिए 4
दिसंबर को गीता महोत्सव का समापन होगा, जो जिला स्तरीय गीता महोत्सव, जी हाँ बिल्कुल, जिला स्तरीय गीता महोत्सव की जो शुरुआत हुई है 4 दिसंबर को इसका समापन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रस्तुति है वो सामने आप देख सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। तमाम दर्शकों से अपील है कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें।